एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अपूर्वा, एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीकॉक फैदर के बारे में। एंड आई नो मैं शायद ऐसा लेट फील कर रही हूँ करंटली, बिकॉज मैं बाहर गई हुई थी एंड उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड Unfortunately, I missed my Janmashtami video, जिसमें मैं बात करने वाली थी पीकॉक फेदर्स के बारे में, मोर पंख के बारे में। एंड बिलीव मी, आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल यू अबाउट मोर पंख। एंड लेट मी शो यू, आप लोगों को शायद वियर लगेगा बट येस, आई डू हैव दिस। आई यूज इट फॉर माई क्लेंजिंग पर्पज, फॉर क्लेंजिंग चक्रा, फॉर क्लेंजिंग ऑरा। सो दिस इज़ समथिंग जो मैं बहुत अपनी यू नो चीज़ों में रखती हूँ, बुक्स में रखती हूँ, डायरीज में रखती हूँ, जर्नल्स में रखती हूँ, एंड अपने ऑल्टर पर डेफिनेटली रखती हूँ। एंड काफ़ी सारे रीजन्स हैं इसके पीछे कि मैं क्यों मोरपंख को बहुत पसंद करती हूँ। ऑल्सो आई डू हैव शालीग्राम, जिसका मैजिक एक डिफरेंट है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम कृष्णा जी के साथ काम किया था, मैं एक अर्जेंट सिचुएशन में फंसी हुई थी एंड आई जस्ट स्टार्टेड चैंटिंग हिज मंत्रा। विद इन एक घंटे में मेरा जो काम था वो हो गया था। सो कृष्णा एक डेफिनेटली लाइक हनुमान, माँ काली एंड कृष्णा, आई फील लाइक दे आर लिविंग डीटीज। ओके, वो अभी भी यहीं हैं, अभी भी अर्थ पे हैं एंड दे आर हेल्पिंग अस। ओके, बहुत मल्टीपल वेज में। एंड अगर आप उनको इंस्टेंट हेल्प के लिए बुलाते हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग डिसअपॉइंट होंगे। सो Yes, I have a very special connection with Morpunk, ठीक है, and with Shaligram at the same time because of Krishna. So, anyways, हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे Morpunk को या फिर Peacock Feathers को अपने magical चीज़ों में use कर सकते हो and कैसे Peacock Feathers की energy से आप अपनी life में changes लेके आ सकते हो। तो चलिए start करते हैं। अगर बात करें generally, Peacock Feathers जो होते हैं या Morpunk जो होता है वो आपको protection provide करता है, ठीक है, वो आपको गुड लक प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आप गुड लक मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप गुड लक के लिए मोरपंख की ज्वेलरीज जो होती हैं वो भी वेयर कर सकते हो या फिर अपने वॉलेट में मोरपंख को कैरी कर सकते हो, ठीक है। अबंडेंस मैनिफेस्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। इट्स वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप या फिर आपके रिश्ते को बहुत नज़र लगती है, ईवल आई लगती है, तो भी आप मोरपंख की हेल्प ले सकते हो। एंड ओवरऑल ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करता है। तो एनीवेज बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि आप कैसे कैसे पीकॉक फेदर को या फिर कह सकते हैं मोरपंख को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा है, सबसे पहला पॉइंट है आई पर्सनली यूज़ इट फॉर क्लेंजिंग माई ऑरा एंड माई चक्रास, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हीलिंग के बाद या कोई स्पेल करा या फिर किसी एनर्जी से मैं कनेक्ट हुई, उसके बाद मुझे हैवी हैवी फील हुआ, स्पेशली माय सोलर प्लेक्सस एंड माय हार्ट चक्रा। होता है, जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं दे कैन फील इट, दे कैन सेंस द हैवीनेस ऑन देयर चेस्ट एंड सोलर प्लेक्सस, ठीक है। या फिर आपको किसी की नेगेटिव एनर्जी लगी है, एनी थिंग लाइक दैट, ठीक है। आप सिंपली मन में इंटेंशन दें, जस्ट होल्ड योर मोरपंख, और अगर आपके पास ऐसा मोरपंख का झाड़ू है, इसको होल्ड करना है, अपने थर्ड आई पर लगाना है, इंटेंशन देनी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लेंज हो जाए। एंड एक मंत्रा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्रा भी आप क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी माँ काली का मंत्रा आप ले सकते हो, उसको आप चैंट करते करते, रिसाइट करते करते अपनी क्लेंजिंग करनी है, इस तरीके से। आपने ये चीज़ डेफिनेटली देखी होगी कि हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जो पंडित जी होते हैं वो ये सब चीज़ें रखते हैं क्लेंजिंग के लिए, वैसे करके झाड़ा लगाते हैं, जैसे हम झाड़ा बोलते हैं, हमारे यहीं पे तो यही बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आई बेसिकली यूज़ इट। आई जस्ट इंटेंशन दी कि मैं इसे अपने क्लेंजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, अपना क्राउन चक्रा क्लेंस किया, थर्ड आई क्लेंस किया, थर्ड चक्रा क्लेंस किया, हार्ट चक्रा क्लेंस किया, सोलर प्लेक्सस एंड सो ऑन, ठीक है। इंटेंशन के साथ आप कोई भी क्लेंजिंग कर सकते हो साथ में, जस्ट टू मेक इट मोर पावरफुल। आप मंत्रा भी रिसाइट कर सकते हो क्लेंजिंग करते हुए, एंड विजुलाइज करो कि जो आपका चक्रा है या जो आपका ऑरा है उसमें से जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी रिलीज हो रही है मोरपंख की हेल्प से। तो आप इस तरीके से मोरपंख को यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अपनी लाइफ में गुड लक मैनिफेस्ट करने के लिए भी अपने वॉलेट में छोटा सा मोरपंख आप लें एंड अपने वॉलेट में आप इसको रख सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है तो आप अपना एक फ़ोटोग्राफ लें और एक छोटा सा मोरपंख लें, एक एनवलप लें, उसमें आप डालें, ये जो मोरपंख है, जो फेदर है ये मेरे को नेगेटिव एनर्जी से, ईवल आई से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड उसको आप अपनी फ़ोटोग्राफ के साथ एक एनवलप में रख लीजिए एंड मेक श्योर वो फ़ोटो क्लियर हो एंड आपके सर से लेके पैर तक हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
पासपोर्ट साइज फोटोज को आप अवॉइड करें, ठीक है। पूरी फोटोग्राफ हो उसके साथ आपने मोरपंख को रख लेना है, इसे आप ऑल्टर में रख सकते हैं एंड आप हर 6 महीने बाद इसमें इंटेंशन डाल सकते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आप इसको एज अ प्रोटेक्शन चार्म पहन सकते हैं, गुड लक चार्म भी पहन सकते हैं। एक छोटा सा मोरपंख लेना या फिर उसके जो ज्वेलरीज आती हैं, नेकलेस टाइप आते हैं, ठीक है, आप उनको ले सकते हैं, उसको होल्ड करें एंड गिव द इंटेंशन कि ये जो मोरपंख है ये आपकी लाइफ में लक लेकर आ रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है एंड आप उसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें मल्टीपल तरीके की इंटेंशन भी एड ऑन कर सकते हो, ये बहुत मैजिकल चीज़ है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप इसको नॉर्मली अपने मैनिफेस्टेशन जर्नल में रखते हो, विजन बोर्ड पे लगाते हो, सपोज करो, ठीक है, ये आपकी मैनिफेस्टेशंस में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको रिमूव करेगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्स्टिकल्स हैं, इन शॉर्ट आपकी विशेज में, वो भी इससे रिलीज होंगे, वो भी इससे कटेंगे। इट्स वेरी पावरफुल, ठीक है। फिर बात करें कपल्स की, लव रिलेशनशिप्स की, आपने क्या करना है, आपने 2 मोरपंख लेने हैं, 2 पीकॉक फेदर्स लेने हैं, उसको आपने अपने बेडरूम में लगा देना है, 2 पीकॉक फेदर्स, ओके। अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हो, पीकॉक फेदर को आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हो टू अट्रैक्ट मोर मनी और मोर मनी अपॉर्चुनिटीज। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं ना, आपको लगता है कि आपको बहुत लोगों की टोक लगती है, नज़र लगती है एंड लोग आपको बार बार ये बोलते हैं कि वाओ क्या रिलेशनशिप है एंड देर इज़ सम जेलेसी इफ़ यू फील सो, आपने क्या करना है, आपने अपने और अपने पार्टनर की फोटोग्राफ लेनी है, साथ में मोरपंख लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने एक एनवेलप में रख देना है। मोरपंख को इससे पहले होल्ड करना है, इंटेंशन देनी है कि ये जो मोरपंख है ये मेरे और जो आपके पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करे एंड ऐसे करके आप इसे अपने मंदिर में रख सकते हो, अपने ऑल्टर में रख सकते हो, जो आपको सही लगता है आप वो कर सकते हो, बट प्रोटेक्शन के मामले में पीकॉक फेदर्स आर अमेजिंग, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क और वियर्ड ड्रीम्स आते हैं या फिर आपको लगता है कि नींद में कहीं कोई आप पे साइकिक अटैक ना हो, तो आप एक पीकॉक फेदर अपने मैट्रेस के नीचे रख सकते हो या फिर तकिए के नीचे रख के भी सो सकते हो, या फिर कोई बेबी है जिसको बहुत डर लगता है, बहुत बुरे ड्रीम्स आते हैं, बच्चा रात को रोता है, तब भी आप ऐसा कर सकते हो, आप एक पीकॉक फेदर ले सकते हो एंड बच्चे के सिरहाने आप रख सकते हो, इट विल रियली हेल्प यू। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वन ऑफ माई फेवरेट रिचुअल विद पीकॉक फेदर। पीकॉक फेदर जो होते हैं वो लॉर्ड विष्णु को एंड लॉर्ड कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, एंड ये बात आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आपने क्या करना, अगर आपकी कोई भी विश है, मन्नत है कह सकते हैं, या फिर कोई भी आप यू नो हेल्प चाहते हो उनसे, लॉर्ड कृष्णा से, आपने क्या करना है, आपने पीकॉक फेदर लेना है, उसको अपने 3rd eye पे लगाना है एंड जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आपने विजुलाइज करना है 3rd eye पे इसको लगा के, ठीक है। एंड उसके बाद आपने लॉर्ड कृष्णा से प्रे करना है कि जो भी मेरी इंटेंशन है प्लीज़ इसको मैनिफेस्ट करने में हेल्प करें। इस सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है, हालांकि आप एडवांस में क्लेम कर सकते हो कि थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्णा मेरी विश को पूरा करने के लिए। अब इस मोरपंख को आपने ऑफरिंग करनी है लॉर्ड कृष्णा को उनके मंदिर में जाके, या फिर कोई भी ऐसा टेम्पल जहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति है उनके सामने आप रख के आप चुपचाप से आ जाइए। ये जो मेथड है आप इसे कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन हो वो सॉल्व हो जाएगी, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ रिलेशनशिप्स। अगर आप चाहो तो आप ये जो ऑफरिंग वाला मेथड है आप इसे कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए भी, कि मेरा और मेरे पार्टनर में जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाए, ठीक है। या फिर एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो, आप लॉर्ड कृष्णा से एक चीज़ अपने मन में बोल सकते हो कि जब मेरा ये काम हो जाएगा मैं 11 पीकॉक फेदर्स आपको ऑफर करूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इस तरीके की ऑफरिंग भी बोल सकते हो, आप मंदिर में जाके ये ऑफरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से पीकॉक फेदर के बहुत अमेजिंग फायदे उठा सकते हो एंड ये जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये बहुत ही लिमिटेड वेज है, बट इसके पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल रिचुअल्स इसके होते हैं पीकॉक फेदर के, आप चाहो तो आप वो भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो वो भी परफॉर्म कर सकते हो, बट जो मैंने आपको बताए हैं ये बहुत कह सकते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड डेफिनेटली काम करते हैं। बट हाँ, अगर आप कोई भी रिचुअल करते हो, कोई भी स्पेल करते हो, टेक्निक करते हो, आपका उस एनर्जी पे, उस डीटी पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट, फेथ एंड विद डिवोशन, जो भी आप चीज़ करोगे, मांगोगे, वो चीज़ डेफिनेटली होगी। डेस्परेशन, नेगेटिव एनर्जी या फिर एग्रेसिवनेस के साथ करोगे तो शायद हो सकता है कि हिंड्रेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होने वाली है।
सो यार आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।